हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट करें क्या, नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 12, और ये फाइनल लेक्चर है। और इसमें सीखना क्या है हम लोग को, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड में करेंगे क्या कि जितना भी फंक्शन ग्रुप आप पढ़े हैं, ठीक है, पॉली फंक्शन में, उन सबका यूज कर लेंगे। किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। क्लियर है? तो स्टार्ट किया जाए नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 12 विथ एरोमेटिक कंपाउंड। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। तो जब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो वहां पर एरोमेटिक का मतलब कैसे समझना वो सीखें। अगर पूछते कि अभी इस स्टेज पर जहां पर आप नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं वहां पर कोई आपसे पूछ दे कि एरोमेटिक का मतलब क्या है, तो आप एक शब्द में कहिए कि मोर स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक। क्लियर है? पूछा सर एरोमेटिक वर्ड कहां से आया, एक थोड़ा सा जान जाइए। एरोमेटिक वर्ड एरोमा से आया था। एरोमा का मतलब होता था गुड स्मेल, ऐसा कंपाउंड जिसका स्मेल अच्छा हो। पहले शुरू में हम लोग जानते थे कि वो एरोमेटिक होता था, बाद में पता चला कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिसका स्मेल अच्छा नहीं भी है फिर भी वह एरोमेटिक है। पर चूंकि नाम पड़ चुका था एरोमा से, इसलिए आज भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक। पर एरोमेटिक का मतलब आप अपने दिमाग में क्या सेट कीजिएगा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक। क्लियर है? यानी एरोमेटिक का मतलब होता है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। क्लियर? कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे पहचानेंगे कि यही एरोमेटिक है ये नहीं है, ये सब बताएंगे अभी नहीं, जीरो सी में। क्लियर? सबसे फेमस कंपाउंड एरोमेटिक का आप लोग सबको ही जानते हैं, वो क्या है, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये ऐसे लिखिए तो भी बेंजीन, ऐसे लिखिए तो भी बेंजीन, और ये दोनों एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप कहेंगे सर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सब आएगा कहां, जी हां जीओसी में। तो अभी घबराना नहीं, अभी उनको नाम सीखना है, तो थोड़ा सा जानकारी लेके नाम में जानेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 पर, 3 पर और 5 पर। अगर यहां ऐसे नॉमेनक्लेचर करें तो यहां भी डबल बॉन्ड 1 पर, 3 पर, 5 पर, दोनों का नाम एक ही होगा। अगर हम ऐसे लिखते तो साइक्लोहेक्सा 1, 3, 5 ट्राइईन, और यहां पर क्या नाम होगा, साइक्लो हेक्सा 1, 3, 5 ट्राइन, दोनों का नाम एक ही है। ये तो हम लोग जो नाम सीखे उसके आधार पर, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। और याद करो इसका पूरा हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्ट्रक्चर एक बार पढ़ा चुके हैं, कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग में, फिर बताएंगे पर उसको अब बताएंगे आइसोमर में। अब यहां पर क्या लिखना है, इसके जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है, इस तरह से दिखाते हैं। आप कहेगा सर इस ओ का क्या मतलब है, इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन के हर एक पार्ट पर समान रूप से फैला हुआ है, और ओ से ज्यादा सिमेट्रिकल तो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए इसको ओ से रिप्रेजेंट किया गया। याद करो जब केमिकल बॉन्डिंग में सिखाए थे तो दिखाए थे कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है सैंडविच लाइक है, ऊपर पाई क्लाउड, नीचे सिग्मा क्लाउड, और नीचे फिर पाई, यानी दो पाई के बीच में एक सिग्मा क्लाउड था, यानी किसके जैसा था, सैंडविच मॉलिक्यूल जैसा था। तो ये फिर से बताएंगे कहां पर बताएंगे, आइसोमर, वहां थोड़ा डिटेल से आएगा। रिएक्शन सब कराने के लिए, आइसोमर बनाने के लिए तो वहां स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, यहां हमें नाम का जरूरत है, तो हम लोग नाम ले जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, यानी हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, C6H6। और ये दोनों नॉमेनक्लेचर से क्या पता चला कि हम किसी भी पोजीशन से क्यों ना चले,
नाम तो हमेशा वही रहेगा, यानी बेंजीन का हर एक कार्बन क्या है, अभी आइडेंटिकल है। ऑल पोजीशन ऑफ बेंजीन आर आइडेंटिकल, ऑल पोजीशन ऑफ बेंजीन, पोजीशन कहने का मतलब कार्बन, ऑल पोजीशन ऑफ बेंजीन इज आइडेंटिकल, यानी कार्बन कोई भी ले ले बेंजीन का, कहीं से भी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक ही नाम आएगा, कहीं से आप करते यहां से भी करते तब भी यही नाम आता है। इसलिए हर एक कार्बन बेंजीन का भी क्या है, आइडेंटिकल है। इतनी बातें में कहीं दिक्कत, पहले नोट करें तब आगे की बात करें। लिख लिए होंगे, चले आगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का दूसरा नाम एरियल भी होता है, यह भी बात जानिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड का दूसरा नाम एरीन भी पढ़ते हैं हम लोग। अभी आइए बेंजीन पर, बेंजीन का हर एक पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है, कहीं कैसे आप यहां से भी नाम करते तो ही नाम आता, साइक्लोहेक्सा 13 ट्राइन, तो हर एक पोजीशन आइडेंटिकल है। अभी यह है क्या, C6H6। अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो बनेगा क्या, C6H5 डैश, ऐसे भी लिख सकते थे। इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिनाइल। कोई दिक्कत वाली बात, शॉर्ट फॉर्म PH, या इसको फाइ से भी दिखाते हैं, याद रखिएगा C6H5 डैश से। ऐसे आपको क्या सीखना है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड मींस एरीन से एक हाइड्रोजन निकालिएगा तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एराइल कंपाउंड। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते थे तो अल्काइल कंपाउंड बनता था, उसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे, एराइल कंपाउंड। ये दो बातें दिमाग में सेट हुआ। अब देखिए नाम कैसे करते हम लोग, कहीं दिक्कत, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, मिटा दे या देखते चलो, फटाफट लिखते चलो। अब देखो क्या करते हम लोग, अगर मान लो ये बेंजीन है, वो का मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हर एक कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन समान रूप से फैला हुआ है, एक एच हटाए एक्स जोड़े, जैसा ही एक्स जोड़ेंगे दिस इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कहीं दिक्कत, ये बेंजीन है और दूसरा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब इससे एक हाइड्रोजन और हटाए, वाई जोड़ दिए, क्लियर, जो वाई जोड़ेंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में यहां भी आ सकता है, 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 यहां भी आ सकता है। तो इस तरह के हम लोग कहते हैं बेंजीन को डाई सब्स्टिट्यूटेड, दो जगह सब्स्टिट्यूशन हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और अब डाई सब्स्टिट्यूटेड से एक एच हटाए जेड जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, जेड, तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बहुत सा इसका तरीका होगा जुटने का, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फिर ट्राई से टेट्रा एक्सेट्रा होता चला जाएगा, कहीं दिक्कत इसमें। तो बेंजीन से कहां है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड से कहां है डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई से कहां है ट्राई, ट्राई फिर टेट्रा एक्सेट्रा चलते रहेंगे, इसमें कहीं दिक्कत। तो पहले नाम कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से, क्लियर है, कहीं दिक्कत हो रहा है तो बोलिए। ट्राई से आगे भी जाएगा, टेट्रा जाएगा, पिंटा जाएगा, जा कहां तक सकते हैं, हेक्सा तक, छह ही पोजीशन है ना, तो जा कहां तक सकते हैं हम लोग,
हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तक। कोई दिक्कत? नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिखिए, तब मिटाते हैं। ओके, अब देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम कैसे लिखते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्लियर है? अब ध्यान देखो, बेंजीन में यहां आर, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल बेंजीन। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अल्काइल बेंजीन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अल्काइल की जगह पर आप यूज करो CH3, क्लियर? दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। वन लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये क्या हो गया? मिथाइल बेंजीन। और इसका फेमस नाम क्या है? टॉलवीन। तो फेमस नाम तो जरूरी है, एरोमेटिक में फेमस नाम का ही ज्यादा काम होगा। अगर यहां पर इथाइल आ जाता इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं? इथाइल बेंजीन। इसको क्या कहते हैं? इथाइल बेंजीन। अगर मान लो यहां पर इस तरह से आया था CH2CH3, इसको क्या बताए थे? नॉर्मल प्रोपाइल, और ये बेंजीन है तो इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। कहीं दिक्कत है? अगर ऐसा आ जाता, नाम पढ़िए, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल से तो प्रोपाइल बनेगा ही, सेकेंडरी से निकला है तो आइसोप्रोपाइल। इसको क्या पढ़ेंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नाम लिखना चाहते तो वन के अंदर वन मिथाइल, दो कार्बन को क्या लिखते? इथाइल बेंजीन। ऐसे भी लिख सकते थे। और इसी का फेमस नाम है क्यूमीन। इसका फेमस नाम क्या है? क्यूमीन, क्लियर? अगर ऐसा रहता, इसको पढ़ते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन, नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन, या वन ब्यूटाइल बेंजीन भी पढ़ सकते थे आईपिक नेम में, वन ब्यूटाइल बेंजीन। अच्छा आप ये बताओ, यहां पर इस तरह से आ जाता, चार ही कार्बन रहता और इस तरह से आ जाता, क्या नाम लिखते? ब्यूटाइल तो है, सेकेंडरी से निकल गया है तो क्या लिखते? सेट ब्यूटाइल बेंजीन। और आईपिक नेम लिखने के लिए बोलता है तो कैसे लिखते? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा, वन के अंदर वन मिथाइल, तीन कार्बन को क्या पढ़ते? प्रोपाइल, वन इथाइल प्रोपाइल बेंजीन। लिख सकते थे कि नहीं? अगर इसी में यहां लिख देते हैं, यहां दिखेगा आप लोग को भैया, इस तरह से आ जाता, इसको क्या लिखते? तो इसको लिखते आइसोब्यूटाइल बेंजीन। वन टू थ्री, वन के अंदर टू मिथाइल, तीन कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपाइल बेंजीन। कोई दिक्कत? अगर एक और लिख देते हैं, याद करो इसको क्या पढ़े थे? चार कार्बन है, ये आइसोब्यूटाइल, तो ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा। और कॉम्प्लेक्स नेम में क्या लिखते हैं? वन टू, तो वन वन डाई मिथाइल इथाइल बेंजीन। साफ साफ दिख रहा होगा सबको, कोई दिक्कत है? पहले एक बार नोट करें तब आगे की बात करें।
लिख रहे हूं भाई, मिटाएं। पहले हम लोग को मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखना है, मिटा दें। फिर अपने से आप जब लेक्चर खत्म हो जाए पीछे आके जहां छुटा होगा उसको नोट कर लीजिएगा, है ना। ऐसे दिया है तो इसको क्या कहोगे, नियोपेंटाइल। याद करो इस वर्ड को क्या कहे थे हम लोग, नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइल बेंजीन, और इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते 1 2 3, तो ध्यान दीजिएगा 1 के अंदर 2 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर, कंफ्यूजन है तो बोलने का है। अच्छा ये बताओ इस तरह से आ जाता तो क्या कहते, तब तो ये साइक्लोब्यूटाइल हो गया, है ना। तो 1 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, साइक्लोब्यूटाइल बेंजीन लिख दीजिएगा वो काफी है। क्लियर, अगर ऐसा हो जाता तो ये कौन सा ग्रुप है, हेक्साइल, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। कहीं दिक्कत, अगर मान लो इस तरह से आ जाता तो क्या करते, जरा देखो 1 2 3 4 ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पुनः नंबरिंग करते 1 2 3 4, क्या लिखते 1 के अंदर 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल बेंजीन। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन। अगर यहीं पर हैलोजन हो जाता सब्स्टिट्यूएंट के जगह पर एक्स हो जाता, इसका नाम क्या लिखते, हेलो बेंजीन। क्या नाम लिखते, हेलो बेंजीन। अगर यहीं पर क्लोरीन हो जाता क्या नाम लिखते, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन हो जाता ब्रोमोबेंजीन, ये सब अपने से लिखो भाई, हमसे क्या लिखवाते हो, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन हो जाता आयडोबेंजीन, फ्लोरीन हो जाता फ्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत है ना सर, NO2 हो जाता तो भैया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नहीं लिख सकते हो, ब्रोमोबेंजीन आइडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, कहीं कंफ्यूजन है। ठीक है सर, अच्छा ये बताओ ये दिखेगा यहां पर डबल बॉन्ड के साथ आ जाता, याद करो इथीन से एक हाइड्रोजन निकाले थे तो E1 हटा था YL1 जुटा था, इसका नाम क्या लिखे थे, इथिनाइल लिखे थे कि नहीं, इसका नाम होगा 1-ethanyl बेंजीन। और फेमस नाम याद करो इस इथिनाइल का, फेमस नाम क्या लिखे थे, विनाइल, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, विनाइल बेंजीन। और इससे भी फेमस नाम है इसका स्टाइरीन, स्टाइरीन। समझ रहे, कॉमन में बहुत काम देगा इसमें आपको, कंफ्यूजन ये हम देखते कि दिखा के नहीं आपको, सबको दिख रहा है। अगर वही कंपाउंड यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाता बताओ, इथाइन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, E1 हटेगा YL1 जुटेगा, इथिनाइल क्या नाम हो जाएगा, 1-ethanyl बेंजीन। अब आराम से देखिए, सबको दिख गया होगा, एक बार पहले फिर नोट कीजिए तब हम लोग आगे की बात करते हैं। सबको दिख गया है, इथीन
इथाइन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे क्या बन जाएगा, इथेनाइल, तो वन इथेनाइल बेंजीन। कहीं पर डाउट आ रहा होगा तुरंत बताएंगे भी, नोट करें तब आगे की बात करें। आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं मिटाया जाए, ठीक है। मिटाते हुए आगे बढ़ें तो ठीक है, फिर आगे चले जरा देखो। ठीक है, इसका नाम OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी नाम लिखते हैं OH को हाइड्रोक्सी बेंजीन। आप कहेगा सर ये तो अल्कोहल है, तो ये भी नाम लिखते हैं, बेंजीन में ई हटा दो ओल जोड़ दो, क्या नाम हो गया, बेंजीनॉल, ये भी लिखते हैं। पर इसका सबसे फेमस नाम क्या है, फिनॉल। सबसे फेमस नाम क्या है, फिनॉल। पूछा सर कि फिनॉल नाम कैसे पड़ गया, अगर दो अलग अलग वर्ड को देखो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। डबल बॉन्ड के साथ, ईन के साथ जब भी अल्कोहल जुटता है तो ई वर्ड हटता है, ओल जुट जाता है, तो क्या नाम हो जाता है, इनॉल। अगर आप इसको OH को छोड़ के देखो डैश के रूप में तो ये फिनाइल है, पीएस से दिखेगा, और डबल बॉन्ड और OH देखोगे तो क्या दिखेगा, इनॉल दिखेगा, इसलिए इस तरह के नाम को जोड़ के लिखा गया फिनॉल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिनॉल। हाइड्रोक्सी बेंजीन भी पढ़ सकते हैं, बेंजिनॉल भी पढ़ सकते हैं, और फिनॉल भी पढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब ये आओ फिनॉल और फिनॉल्स में अंतर होगा, वो धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, फिनॉल। अच्छा ये बताओ, यहां पर एसिड आ गया, ध्यान से देखना क्या लिखेंगे, कार्बन सहित एसिड होगा, अगर साइक्लोहेक्सेन लिखता तो क्या लिखते, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर जब नाम लिखने के लिए आएगा तो हम लोग लिखेंगे बेंजीन कार्बन सहित एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही आईपेक नेम है। पर जब इसका फेमस नेम पूछेगा तो लिखेंगे बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा आईपेक नेम ऊपर वाला लिखेंगे, फेमस नेम क्या हो गया इसका, बेंजोइक एसिड, क्लियर। अगर कोई पूछा अच्छा ठीक है सर इस्टर आ गया तो तब ये बताओ मिथाइल तो बाहर में आएगा, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब इसका नाम जो फेमस नाम है ये है मिथाइल बेंजोएट, यानी इसको क्या करते हैं, बेंजोएट। अगर कोई पूछ दिया सर ऐसे नाम दिया हुआ है इस्टर का ही, यहां इथाइल हो जाता, यहां ईटी हो जाता, तब तो इसको हम पूरे फेमस नाम इसको क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग बेंजोएट, क्या पढ़ रहे हैं, बेंजोएट। तो आगे में क्या वर्ड जोड़ देंगे, इथाइल बेंजोएट, यहां बी छोटा कर लोगे कोई दिक्कत, इथाइल बेंजोएट। अच्छा ये बताओ तब तो आगे में कुछ भी रहे यहां आर कर दे तो क्या नाम लिख देना चाहिए, अल्काइल बेंजोएट, फेमस नाम में इसी तरह से काम करेंगे, अल्काइल बेंजोएट, जो भी नाम रहेगा दे देंगे। लिखेंगे कैसे, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बना क्या, मिथाइल बेंजोएट। कहीं डाउट हो रहा है तो एकदम पूछते जाना है, अगर यहां पर एक अट सकता है कटा देते हैं, बेंजीन है SO3H, तो इसको लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहले इसको नोट कीजिए तब आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लिख लिए होंगे, मिटावे फिर आगे चलें।
कहीं कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये क्या है? एल्डिहाइड है, तो क्या नाम लिखते हैं? बेंजीन कार्बन सहित एल्डिहाइड, तो क्या लिखते हैं? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। पर इसका फेमस नाम क्या होगा? बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। कॉमन नेम बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कीटोन का जब पारी आ जाएगा, ऐसे लिख सकते थे, वन फिनाइल इथानॉल, ऐसे भी लिख सकते थे, इधर मिथाइल है इधर फिनाइल है, तो क्या लिखते? मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका जो सबसे फेमस नेम है वो है क्या, जानते हैं? वो है एसीटो फिनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटो फिनॉन, क्लियर। अब ये जो पार्ट आप देखते हो इसको हमेशा याद रखना है, एसिटाइल ग्रुप कहेंगे, एसी, इसी से वर्ड बना था एसिटोफिनॉन, क्लियर। इसको क्या लिखेंगे? एसी। अगर मान लो ऐसे आ गया रहता तो क्या नाम लिखते? वन टू थ्री, वन फिनाइल प्रोपेनॉन। और ऐसे कॉमन नेम में क्या लिखते? इधर और इधर हटा देते तो नाम कैसे लिखते हम लोग? देखो ध्यान से, इधर हो जाता इथाइल, इधर हो जाता फिनाइल, तो इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन, क्लियर है? कंफ्यूजन कहीं पर? अच्छा, दो बार बेंजीन आ जाता और बीच में कीटोन रहता, तब तो इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, तो इसको लिखते डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन। इसी का फेमस नाम है बेंजो फिनॉन। फेमस नेम क्या है? बेंजो फिनॉन। क्लियर समझ रहे हो? डाउट कहीं पर? अच्छा, ये आया था सर, बोले क्या? हेलोजन। तो क्या लिखते इसका नाम? बेंजीन कार्बन सहित, कार्बोनाइल हेलोजन है तो कार्बोनाइल हेलाइड, हेलाइड याद है। और इसी का फेमस नाम हो जाता बेंजोइल हेलाइड। क्लोरीन रहता क्लोराइड, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहता तो आयोडाइड। सबका नाम अपने से लिख लोगे एक बार कि भैया यहां पर एक बार क्लोरीन हो गया तो बेंजोइल क्लोराइड, ब्रोमीन हो गया तो बेंजोइल ब्रोमाइड, आयोडीन हो गया तो बेंजोइल आयोडाइड। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अपने से लिखोगे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल ब्रोमाइड, बेंजोइल आयोडाइड। कंफ्यूजन कहीं पर? तो सर अगर यहां पर क्या नाम लिखते, तब तो नाम लिखते बेंजीन कार्बोनाइट्रिल, कार्बोनाइट्रिल। और इसी का नाम क्या हो जाता? बेंजोनाइट्रिल। फेमस नेम क्या हो जाता? बेंजो। सब दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं सबको। एक बार हम चेक कर लेते हैं, नोट करते जाइए आप लोग, सब दिख रहा है, धीरे धीरे नोट कीजिए आप लोग। मिटाते चलें। अब हम लोग चलेंगे और नाम देखा जाए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलते जाना है ना।
माइनस टू आ जाए, बेंजीन कार्बोक्सामाइड बेंजीनामाइड, इसी का फेमस नाम क्या है बेंजीनामाइड, अगर इसी में डिग्री आ जाता, यहां पर सी एस थ्री मिथाइल हो जाता, तो क्या नाम लिखते हैं एन मिथाइल बेंजीनामाइड, अगर यहीं पर इथाइल आ जाता ईटी, क्या लिखते एन इथाइल बेंजीनामाइड, क्लियर, दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, क्या लिखते हैं एन एन डाइमिथाइल बेंजीनामाइड, अलग हो जाते तो अलग नाम लिखते हैं, एन अगर मान लो एक इथाइल हो जाता और दूसरा मिथाइल हो जाता तो नाम अलग कर देते, एक मिथाइल हो जाता एक इथाइल हो जाता, अल्फाबेटिक सजा लेते एन इथाइल बेंजीनामाइड, कहीं दिक्कत? अगर ऐसा हो जाता मान लो ओ सी एस थ्री आ जाता तो क्या लिखते मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, ये ईथर है तो क्या नाम लिखते वन मिथॉक्सी बेंजीन, इसका फेमस नाम है एनिसॉल, इसका फेमस नाम क्या है एनिसॉल, मिथॉक्सी बेंजीन का फेमस नाम होगा एनिसॉल, का क्या नाम होगा इथाइल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या नाम लिखेंगे इथॉक्सी बेंजीन, कंफ्यूजन? अगर मान लो यही पर कोई अल्काइल ग्रुप हो जाए तो क्या नाम लिख देंगे एलॉक्सी, कुछ भी हो सकता है एलॉक्सी बेंजीन, कंफ्यूजन? डाउट है तो बोलने का है, और जोड़ा जाए यहां बेंजीन के साथ NH2 आ जाए, ये एमीन है, ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन तो लिखने सीखे हैं, बेंजीन का ई हटिए सफिक्स में क्या जोड़िएगा एमाइन, तो क्या नाम हो गया बेंजेनामाइन, और इसका बड़ा फेमस नेम है एनिलीन, क्या फेमस नेम है एनिलीन, एनिलीन, समझ में आ रहा बात, नोट करते चलिए तब फिर आगे की बात करते हैं, लिखते चलिए, सबको दिख रहा होगा साफ साफ, लिख रहे हैं। अब हम लोग मूव करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड के तरफ, है ना, और भी जो इंडिविजुअल का जरूरत होगा बीच बीच में डालते रहेंगे, कोई दिक्कत, नाम कभी खत्म नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जितना बता रहे हैं वो थोड़ा ही है, है ना। जरा देखो बेंजीन में पहले से अगर कोई एक्स कोई ग्रुप जुटा हुआ है, इनी ग्रुप, ठीक है, तो काउंटिंग क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे भी चल सकते थे, और काउंटिंग ऐसे भी चल सकता था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे भी काउंटिंग हो सकता था, और हम लोग ऐसे जो चले ऐसे भी काउंटिंग हो सकता था, क्लियर। अब हम लोग चाहते क्या हैं,
कि एक एच हटे और नया ग्रुप वाई जुटे, तो वाई कहां कहां जुट सकता था, एक्स के रिस्पेक्ट में यहां और एक्स के रिस्पेक्ट में यहां। ध्यान से देखिए, अगर हम एक्स को नंबरिंग करते तो वाई की तरफ मिलते तो 1 2, अगर यहां से करते तो 1 2, तो दोनों तो बराबर हो गया कि नहीं। अगर हम एक्स को सीनियर मानते तो एक्स से नंबरिंग करते, अगर ये यहां जुटता और ये यहां जुटता तो नंबरिंग क्या करते, 1 2 3, इसको भी क्या लिखते, 1 2 3, दोनों बराबर हो गया कि नहीं। फिर क्या करते, एक्स और ये क्या है वाई, किधर से भी करते तो बात बराबर है, लेकिन ये तीन पार्ट में जुट रहा है, तीन जगह पर जुट सकता था, यहां यहां और यहां, अगर यहां और यहां जुटता तब तो सब आइडेंटिकल हो जाता। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम यहां पर क्या आता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ये जो बगल वाला एडजेसेंट पोजीशन है इसे हम लोग कहते हैं ओर्थो, ओ से दिखाते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग ओर्थो, दिखाएंगे किससे, ओ से, और एक छोर के अल्टरनेट 120 डिग्री पर जो होगा उस पोजीशन को कहेंगे मीटा, एम से दिखाएंगे इसको, और जस्ट अपोजिट वाला जो पोजीशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे पारा, यानी एडजेसेंट पोजीशन ओर्थो, एक छोर के मीटा एंड अपोजिट पोजीशन पारा। इस बात को एकदम दिमाग में सेट करो, एक्स कहीं भी क्यों ना हो, एक्स मान लो यहां हो गया तो इसके लिए ओर्थो पोजीशन ये हो गया एडजेसेंट बगल वाला, मीटा ये हो गया, और जस्ट अपोजिट ये पोजीशन क्या कहला जाएगा पारा। फिर समझो कि एक्स यहां है तो ये पोजीशन ओर्थो, इसको छोड़ के एक मीटा, जस्ट अपोजिट पोजीशन पारा, क्लियर है। फिर समझो, अगर एक्स यहां है तो ये बगल वाला पोजीशन क्या कहला जाएगा ओर्थो, ये मीटा, ये पारा, क्लियर समझ रहे बात को, यानी एक्स कहीं, एक्स कुछ भी हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में बगल वाला पोजीशन ओर्थो, एक छोर के मेटा एंड जस्ट अपोजिट पारा। एनी डाउट, एक्स और कहां, अगर यहां कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं आपको, एक्स यहां आ गया तो ये पोजीशन क्या कहला जाएगा ओर्थो, अल्टरनेट इसको छोड़कर, इसको छोड़कर मेटा, और जस्ट अपोजिट क्या कहला जाएगा पारा। ये बात क्लियर समझ में आ रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन को क्या कहेंगे ओर्थो, एक छोड़ के क्या कहेंगे मेटा, और जस्ट अपोजिट पोजीशन को क्या कहेंगे पारा। नाम लिखना आसान काम हो जाएगा अगर इतनी बातों को आप दिमाग में रख रहे हैं, तो पहले नोट कीजिए तब आगे की बात करते हैं। लिख लिए, मिटाया जाए, अब चला जाए प्रैक्टिस की ओर। दोनों सिमिलर ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये ओर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये ओर्थो, कहीं से भी नाम लिख सकते थे 1 2 डायमिथाइल बेंजीन, इसका क्या नाम लिखते थे 1 3 डायमिथाइल बेंजीन, कैसे देखो तो 1 2 3, और इसका क्या नाम लिख देते, बड़ा आसान था 1 2 3 4, 1 4 डायमिथाइल बेंजीन। अब ये बताओ इसको क्या कहते, ऑर्थोजाइलीन, फेमस नाम है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन है ऑर्थो,
इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा, तो इसको क्या कहेंगे मेटा जाइलीन। और जस्ट अपोजिट है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पारा और इसके रिस्पेक्ट में ये पारा, तो इसको क्या लिखेंगे पारा जाइलीन। कहीं दिक्कत? अब जरा देखो, इसका क्या नाम लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम होगा ऑर्थो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1,3 है, देखो 1,2,3 डाइक्लोरो बेंजीन, वन फोर डाइक्लोरो बेंजीन, इसको क्या लिखेंगे मेटा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है और इसके रिस्पेक्ट में वो मेटा है, ये पोजीशन क्या कहलाएगा मेटा, इसके लिए ये मेटा और इसके लिए ये मेटा, है ना, दोनों तो एक ही तरह का फंक्शन ग्रुप है, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और यहां पर क्या लिख देंगे पारा, इसके रिस्पेक्ट में ये पारा, इसके रिस्पेक्ट में ये पारा, पारा डाइक्लोरोबेंजीन। कहां पर डाउट हो रहा है बताओ, कंफ्यूजन कहीं पर? और जगह होगा इधर दिखेगा, जरा देखो ये OH है CH3, ये OH है CH3, ये OH है CH3, नोट कीजिए फटाफट। अब इसके रिस्पेक्ट में ध्यान दीजिएगा, 2-methyl बेंजीनॉल भी लिख सकते हैं, 2-methyl फिनॉल भी लिख सकते हैं, या 2-methyl हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं। OH सीनियर है, OH के रिस्पेक्ट में ये बगल वाला पोजीशन क्या कहलाएगा ऑर्थो, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। जरा फेमस नाम सुनिएगा, क्या नाम है ऑर्थो क्रिसॉल। अब ये रहता तो 1,2,3 3-methyl बेंजीनॉल, 3-methyl फिनॉल, और फेमस नाम क्या लिख देते मीटा क्रिसॉल, सेम टू सेम वही है, 1,2-methyl बेंजीनॉल होता तो 3-methyl बेंजीनॉल, 3-methyl फिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाता मेटा क्रिसॉल, और भैया इसका तो आप कहते सर पारा क्रिसॉल। क्लियर है? पहले एक बार नोट करो, हम देख ले सबको दिख रहा है कि नहीं, तब आगे की बात करेंगे हम लोग। सबको दिख रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। लिख लिए होंगे तो मिटाया जाए, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट नेम देखा जाए, अगर मान लो दो OH आ जाए तब कैसे नाम होगा, ऐसे है ना, क्या नाम लिखोगे? इसका नाम होगा बेंजीन 1,2-diol। कोई दिक्कत? इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3-diol। इसका क्या नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4-diol। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखे नाम में, कहां पर है 1 और 2 पर है, कोई दिक्कत? यहां भी क्या है 1,2,3 पर है, यहां क्या है 1,2,3,4 पर है,
और जो फेमस नाम होता है वो सीखना हम लोग को है। क्या फेमस नाम है? इसका नाम होता है कैचॉल। देखिएगा, ऑर्थो लगाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम होता है रिसॉर्सिनॉल। रिसॉर्सिनॉल। और इसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्विनोन। ये सब धीरे धीरे सब आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना। ऊपर वाला नाम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब नाम प्रैक्टिस करने से याद होगा, है ना। जितना बार यूज करेंगे दिमाग में सेट हो जाएगा। उसी तरह अगर एसिड रहता है, जरा ध्यान से देखना, इस तरह से एसिड रहता, क्या नाम लिखते पता है? इसका नाम लिखते बेंजीन। वन और टू पर है तो बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्जिलिक एसिड। वन और टू पर है, यहां क्या होगा? बेंजीन वन थ्री डाई कार्बोक्जिलिक एसिड। वन टू थ्री फोर बेंजीन वन फोर डाई कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या दिक्कत? फेमस नाम क्या है ये ध्यान दीजिए। ये तो नाम लिखना बहुत आसान काम है, ये तो लिख ही लीजिएगा। फेमस नाम क्या है? इसका फेमस नाम है थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट याद रखिएगा, इसलिए इसको नाम पर है क्या? थैलिक एसिड। इसको पढ़ते हम लोग आइसो थैलिक एसिड, और इसको पढ़ते हम लोग टर, जो पारा वाला पोजीशन है उसको क्या पढ़ते हैं? टर्थैलिक एसिड। कहीं पर दिक्कत? अगर एसिड तीन बार भी आ जाता ना तो नाम लिखने में दिक्कत नहीं होता, ये तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए इस तरह से भी एसिड आ जाते तो वन टू थ्री फोर क्या नाम लिखते? बेंजीन वन टू फोर ट्राई कार्बन सहित एसिड, तो कार्बोक्जिलिक एसिड। नहीं दिखता इसलिए इसको यहां ऐड करके हमने लिख दिया। कहीं कंफ्यूजन है कहीं पर तो पहले एक बार नोट करें तो फिर आगे की बात करें। नोट कीजिए, दिख रहा है कि नहीं? सब देख रहे हम लोग, यहां सब जगह खाली है। यहां पर और नाम जोड़ सकते हो आप। यहां पर मान लो OH रहता और यहां पर NO2 रहता तो क्या नाम लिखते? टू नाइट्रो फिनॉल। इसी को हम लोग ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल भी पढ़ सकते थे। जगह खाली है तो यूज कर लिया। अगर मेटा पर रहता, अगर यहां मेटा पर रहता तो क्या कर देते? इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पर है, ऐसे तो नाम लिखते थ्री नाइट्रोफिनॉल। ऐसे भी लिख सकते थे थ्री नाइट्रोबेंजिनॉल, ये भी लिख सकते थे। अगर कहीं नाम ऐसा लिखा हुआ रहा थ्री नाइट्रोबेंजिनॉल तो गलत नहीं होगा। फेमस नाम क्या हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है? मेटा पर है तो मेटा नाइट्रोफिनॉल। उसी तरह पारा नाइट्रोफिनॉल भी कर सकते हैं आप लोग। अगर यहां पर हम ब्लू से लिख देते हैं, अगर ऐसा रहता तो इसका क्या नाम लिख देते? एक ही बार में लिखते पारा नाइट्रोफिनॉल। आप बहुत सा नाम पढ़ सकते थे, फोर नाइट्रोफिनॉल, फोर नाइट्रोबेंजिनॉल लिख सकते थे कि नहीं, फोर नाइट्रोहाइड्रोक्सीबेंजीन। तो एरोमेटिक में बहुत तरह से नाम रिप्रेजेंट होता है। आईपेक नेम तो एक है पर कॉमन नेम बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो पहले नोट कीजिए। लिख लिए होगे? और देखिए, मिटाएगा इसको। अब और नाम देखा जाए, हम लोग
ये देखो, ये NH2 है, ये मिथाइल है, ये NH2 है, ये मिथाइल है, NH2 है, ये मिथाइल है, कोई दिक्कत? क्या नाम लिखते? NH2 तो सीडियर है मिथाइल से, तो 2 मिथाइल बेंजीनामाइन भी लिख सकते थे, 2 मिथाइल एनालिन भी लिख सकते थे, ऑर्थो मिथाइल, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर है, ऑर्थो एनालिन भी लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं, डाउट? उसी तरह यहां क्या नाम लिखते, 3 मिथाइल एनालिन भी लिख सकते थे, सभी नाम लिख सकते थे, 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, मेटा मिथाइल, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है, मेटा है, तो मेटा मिथाइल एनालिन भी लिख सकते थे, और ये भी तो नाम लिख सकते थे ऊपर वाला भी, 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, कोई दिक्कत? जैसे इसको क्या लिखते, 4 मिथाइल बेंजीनामाइन लिख सकते थे कि नहीं, इसी को क्या लिखते, पारा मिथाइल एनालिन, डाउट है, कंफ्यूजन है कहीं पर? अच्छा, इसी का जो फेमस नाम होता है वो देखिए, ऑर्थो टोलिडीन, ऑर्थो टोलिडीन फेमस नाम है, तब इसका क्या नाम हो जाएगा, मेटा टोलिडीन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, पारा टोलिडीन। आप कहेगा सर इतना याद कैसे होगा, करत करत अभ्यास धीरे धीरे सब आ जाते है ना। एक और फेमस नाम दिखाते हैं आपको, कोई दिक्कत? जो बराबर यूज होता है, हम वही नाम लिख रहे हैं जिसका यूज बराबर आपको होगा अभी आने वाले चैप्टर में, इसलिए इन सभी का हम एक बार लिख देते हैं कि अंदर आएगा तो एक बार तो जाना हुआ रहेगा ना, तो वहां जब बता रहे होंगे तुरंत रिकॉल होगा दिमाग में, इसलिए सबको एक जगह इकट्ठा लिख रहे हैं। ऐसे लिखा हुआ है, देखो एल्डिहाइड सीनियर है, हाइड्रोक्साइड जूनियर है, तो क्या नाम लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बन सहित एल्डिहाइड, ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इसका फेमस नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, वही काम यहां करते, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाता है, 2, तो क्या नाम लिखते, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड, और क्या लिखते, और लिखते ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वही चीज यहां लिखते हम लोग, 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड, और वही नाम लिखते ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, कहीं दिक्कत? सर फेमस नाम क्या होगा, ये दिखता है कि नहीं पहले देख ले, तब नीचे में लिखेंगे, हाँ दिख जाएगा, फेमस नाम होगा ऑर्थो सेलिसल डिहाइड, ऑर्थो सेलिसल डिहाइड, और इसका नाम होगा ऑर्थो सेलिसेलिक एसिड, इसका क्या नाम लिखे, ऑर्थो सेलिसल डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका फेमस नाम है ऑर्थो सेलिसल डिहाइड,
और इसका नाम होगा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अच्छा सर उसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा ऑर्थो टॉलिक एसिड। कोई दिक्कत? जगह यहां पर है, यहां पर भी एक दो को अटा ही देते हैं। इसका नाम बताओ तो कहोगे सर बेंजीन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहां तक नोट किया जाए और फिर आगे ट्विस्ट करके थोड़ा सा नाम दिखाते हैं। अगर ब्रांच चेन में होता तो कैसे नाम लिखते, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिए होंगे, मिटाया जाए। देखिए देखिए कैसे नाम करते हैं आगे। इसका नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। इसी को क्या कहेंगे? टॉलवीन। क्या कहेंगे? टॉलीन। इससे एक हाइड्रोजन निकालो जो बना, इसका फेमस नाम है बेंजाइल। फेमस नाम क्या है? बेंजाइल। ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन और निकाल देंगे, इसको कहते हैं बेंजल, और एक हाइड्रोजन और निकाल देंगे, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजो। अब इन सभी का जो यूज है, ये दोनों का ज्यादा यूज अब नहीं है। ज्यादा यूज किसका है? बेंजाइल का। इसलिए इस पर ज्यादा फोकस भी हम लोग करेंगे नहीं। जरा देखो, अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसका नाम बताइए क्या है, तो नाम क्या लिखोगे? 1 पर क्लोरीन, 1 पर फिनाइल, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल मीथेन। अब कोई पूछा सर इसका कॉमन नेम क्या है? इस पूरे ग्रुप को बेंजाइल कहते हो। बेंजाइल में क्लोरीन जुट गया तो क्या नाम होगा? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और समझो, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा है, तो इसको अल्फा फिनाइल मिथाइल क्लोराइड भी लिख सकते थे। फिर समझो, अगर इसी के जगह पर अल्कोहल हो जाता, क्या हो जाता? अल्कोहल हो जाता, क्या नाम लिखते? सोचो जरा, ये 1 है, 1 फिनाइल मीथेनॉल, अल्कोहल को क्या कहोगे? मीथेनॉल। अब कहा कि नहीं, इसका कॉमन नाम लिख के बताइए, इसका कॉमन नाम लिख के बताइए, तो क्या करते हैं कि ये पूरे पार्ट को बेंजाइल पढ़ते हैं, पूरे पार्ट को क्या पढ़ते हैं? बेंजाइल, और उसमें जोड़ देंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? और इसी तरह अगर इसको हम लोग, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुटेगा उस कार्बन को अल्फा कहेंगे, इसलिए नाम हो जाएगा अल्फा फिनाइल मिथाइल अल्कोहल। नोट कर लीजिए, थोड़ा बिजली चली गई है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाए गए। अब थोड़ा और एग्जाम्पल सब देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा हम लोग का। देखिए, अगर बेंजीन है, CH2NH2 जुटा हुआ है, सेम नाम, 1 पर क्या हो गया? फिनाइल, और 1 पर एमीन है, क्या नाम लिखेंगे? 1 फिनाइल
मिथेनामाइन, है ना, ये फंक्शन ग्रुप हो गया, वन फिनाइल मिथेनामाइन। इस पूरे को क्या कहोगे, बेंजाइल कहोगे कि नहीं कहोगे कॉमन नेम में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल एमी। और क्या कह सकते हो भैया, फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप है एनएस टू, जिस कार्बन से जुटेगा वो अल्फा, अल्फा पर क्या जुटा हुआ फिनाइल, तो क्या नाम लिखोगे, अल्फा फिनाइल। एक कार्बन को क्या करते हो मिथाइल, अल्फा फिनाइल मिथाइल एमीन। डाउट क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर इस तरह से एसिड जुट जाए तो क्या नाम लिखोगे, तो क्या लिखते हैं, वन टू टू फिनाइल इथानोइक एसिड, टू फिनाइल इथानोइक एसिड। पूछा सर कॉमन नेम में कैसे लिखेंगे, तो ये जरा देखो, ये फंक्शन ग्रुप है, ये पोजीशन अल्फा है, अल्फा पर क्या बैठा हुआ है फिनाइल, तो लिखेंगे अल्फा फिनाइल। और दो कार्बन के एसिड को याद करो, क्या बताए थे, एसिटिक एसिड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर मान लो ऐसा आ गया रहता, और अब आपसे नाम पूछा जाता कि सर इसका नाम बताइए, तो क्या लिखते, वन टू थ्री, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाता। रिस्पेक्ट किसका करेंगे, फंक्शन ग्रुप का, फंक्शन ग्रुप है कौन, एसिड है। नंबरिंग कहां से हुआ, यहां से, टू पर क्या छूट रहा है, तो फिनाइल, तो क्या नाम लिखेंगे, टू फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। क्लियर? अच्छा ये बताओ, ये बात कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, अगर मान लो दो बेंजीन ऐसे जुट जाता, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, सब लिखने का तरीका है, ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए, क्या नाम होता, वन वन डायफिनाइल मीथेन, क्या नाम होता, वन वन डायफिनाइल मीथेन, या सिंपली डाइफिनाइल मीथेन भी लिख सकते हैं। नोट कीजिए, अगर मान लो देखिएगा, यहां पर देखिएगा, दो बेंजीन एक साथ आ जाता तो क्या नाम लिखते, सोच के बताओ क्या नाम लिखना चाहिए, दो नाम लिख सकते, एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते और एक का नाम लिख देते, तो इसको क्या लिखते, फिनाइल बेंजीन, या सिंपली इसको बाय फिनाइल भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बाय फिनाइल। और कहां दिख रहा होगा, अच्छा दो रिंग आ जाता इस तरह से बेंजीन का, इसका क्या नाम होगा, सोच के बताओ, ये सब नाम आपको याद रखना होगा, नेफ्थलीन दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, तीन आ जाए, जहां तक अट जाता हटा देते हैं, तीन रिंग आ जाता, इसका नाम क्या हो जाता, फिनाफ्थलीन, सॉरी एंथ्रासीन, फिनाफ्थलीन तो इसके बाद बताएंगे, ये होगा एंथ्रासीन, कोई दिक्कत, नोट करते जाइए। लिख लिए हो, चला जाए आगे, चलिए अब थोड़ा और सीखा जाए, एरोमेटिक में ध्यान से देखते जाना है, ठीक है, और नोट बनाते चल जाना है। अब देखो, मान लो क्या करते, अल्फाबेट का यूज करते,
1, 2, 3, 4, ये सब तो बहुत बार हो चुका है सर। क्या लिखते हैं? 1-bromo, 4-chloro-benzene, इसमें तो दिक्कत नहीं, क्लियर। अच्छा, यानी आप कहिएगा कि आप समझदार हो गए। क्या नाम लिखते हैं? यहां ब्रोमीन ही कर देते हैं और यहां क्लोरीन कर देते हैं। अगर हम नंबर यहां से करें 1, 2, 3, 4, समझाने के लिए बदले हैं, 1+2+4 कितना हो गया? 7। और अगर हम नंबर यहां से करते 1, 2, 3, 4, 1+3+4 कितना हो गया? 8। कौन सही है लोएस्ट सब रूल से? ये। अगर ब्रोमीन भी यहां पर रहता तब भी नंबरिंग यहीं से करते, समझ रहे बात को ना? तो नाम क्या लिखेंगे? 1-bromo, 2-chloro, 4-iodo-benzene। दिक्कत है? अच्छा, अब ये बताओ, ऐसा रहता तो क्या करते सर? अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1+3+5 कितना आया? 9। कोई बच्चा यहां से नंबरिंग कर रहा है क्लोरीन से और किधर भी मूव क्यों ना कर जाए, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या होता? 1+3+5 क्या हो जाता? 9। हम कहीं से भी नंबरिंग करते तो लोएस्ट सम रूल तो यही रहता। तब क्या होता? जब लोएस्ट सम रूल सेम है तो कहां से नंबरिंग करना चाहिए था? अल्फाबेट, इसको चूज किया। अब इसमें भी सावधानी बरतना है, इधर से ये भी 3 पर है, इधर से ये भी 3 पर है, तो फिर अल्फाबेट का यूज करेंगे। सी वर्ड पहले आएगा कि आई वर्ड पहले आएगा? तो सी वर्ड पहले आएगा। तो नाम क्या लिखेंगे? 1-bromo, 3-chloro, 5-iodo-benzene, 1-bromo, 3-chloro, 5-iodo-benzene। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये बताओ, यानी आप लोग समझ रहे हैं, अगर यहां पर NO2 हो जाए और यहां पर आयोडीन हो जाए तब तो यहां सीनियर टी की बात चलेगी। आप देखो हेलोजन से ज्यादा सीनियर माने थे NO2 को, तो 4-iodo बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है, करीब करीब ऐसा केस आ जाएगा तभी ये काम करेंगे, 4-iodo-nitrobenzene। क्लियर है? नोट करें तो कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। हम लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है? नीचे लिखिए, ऊपर दे रहे हैं तब तक सोचते लीजिएगा आप लोग। ऐसा देते हैं ब्रोमीन, यहां NO2, यहां NO2, अब जरा देखिए, बहुत सिनेटी में बहुत का अंतर नहीं है आयोडीन और NO2 में, हेलोजन का, उसको देखिए साइड में लिखे थे, तो पहले यहां देखा जाएगा लोएस्ट सम रूल, तब ऐसे केस में पहले क्या देखते हैं? लोएस्ट सम रूल। अगर हम यहां से नंबरिंग करते तो 1+3+4, क्योंकि अल्केन के लिए देखिए अल्केन में नाइट्रो भी सब्स्टिट्यूएंट था और हेलोजन भी सब्स्टिट्यूएंट था, उसी तरह यहां पर बेंजीन के लिए भी है, NO2 भी है, नाइट्रो बेंजीन, हेलो बेंजीन, इसलिए पहले लोएस्ट सम रूल देखेंगे इस केस में, बाकी अदर फंक्शन ग्रुप में ऐसा काम नहीं करेंगे। 4-4 कितना हो गया? 8। अगर हम यहां से करते तो 1+2+4 कितना हो गया? 7। भैया कौन सही है? तो आप कहोगे सर ये वाला सही है, ये वाला गलत है। नाम को सजाओ, अल्फाबेटिक 1-bromo, 2-4-dinitrobenzene।
हैलोजन वाले केस में हैलोजन नाइट्रो ये सब ग्रुप आएगा नाइट्रोसो, तब ऐसा काम करना है। पर ऐसा केस आ गया तब क्या किए, इसको सीनियर मान के काम कर दिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा दे देते हैं, यहां दे दिए NO2, यहां ब्रोमीन, यहां मिथाइल CH3, ठीक है, दो बार लिखिए NO2 ब्रोमीन मिथाइल। क्या करें, एक बार नंबरिंग इधर से करते हैं, एक बार नंबरिंग इधर से करते हैं, और भी कर सकते थे आपका मन करता तो ऐसे भी। ऐसे भी कर सकते थे, ब्रोमीन से भी घुमा सकते थे, देख सकते थे, ब्रोमीन से भी करके देख लेते हैं। जितनी पॉसिबिलिटी है आपके सामने सब कीजिए। और ऐसे केस में क्या बोले हैं, लेस सम रूल का ही सहारा लेना चाहिए पहले। चले 1 पर 2 पर 4 पर 1 प्लस 2 प्लस 4 7 1 प्लस 3 प्लस 4 8 1 प्लस 4 प्लस 5 10 1 प्लस 2 प्लस 5 8 सबसे कम कौन है खुद बताओ, ये वाला सही ये होगा, बाकी सबको रिजेक्ट कीजिए। नाम लिखने के तरीके में क्या कीजिएगा, अल्फाबेटिक 2 ब्रोमो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। कैसे काम करेंगे, क्लियर होता जा रहा है? अच्छा ये बताओ, यहां एसिड है और ये NO2 है, तो सीनियर कौन है, एसिड। एसिड के रिस्पेक्ट में NO2 जूनियर है, तब तो यहां भैया आप पानी ढोइए, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो। और चूंकि एसिड के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन, ये बगल वाला ऑर्थो, ये पोजीशन क्या है, मेटा, तो क्या नाम लिखेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर, डाउट है कहीं पर नोट कीजिए, तब फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाया जाए, देते हैं बनाने के लिए पहले, तब हम बनाएंगे। सावधानी हटेगी, दुर्घटना भी या घटेगी, इसलिए अस्थिर ढंग से बनाते चलोगे। कोई दिक्कत, एमी मिथाइल इसको बनाओ एक बार, यहां NH2 दे देते हैं, यहां एमी दे देते हैं, यहां ईटीटी मतलब इथाइल, यहां OH दे देते हैं, यहां एमी दे देते हैं, यहां एमी दे देते हैं, यहां NO2 दे देते हैं, यहां फ्लोरीन दे देते हैं, यहां इथाइल दे देते हैं। कोशिश करो अपने से बनेगा, सब एक ही जैसा दिए। सोचिए यहां कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ईथर सीनियर है, इसलिए रिस्पेक्ट किसका करेंगे, ईथर का। तो 1 2 3 4 5 6 ये बात समझिएगा बात को। तो क्या नाम होगा, 4 मिथाइल 2 आइडो एनिसोल, अल्फाबेटिक सजा लीजिएगा, 1 2 3। यहां भी वही हाल हुआ, NH2
सीनियर फंक्शन ग्रुप है तो रिस्पेक्ट यहां सीनियर फंक्शन ग्रुप का हो रहा है, तो क्या नाम लिखेंगे, 4-ethyl-2-methyl, पूरे को क्या लिख देंगे, एनिलीन। क्लियर, कंफ्यूजन कहीं पर? अच्छा, यहां OH सीनियर फंक्शन ग्रुप है तो रिस्पेक्ट सीनियर का होगा, ये नहीं कि लोएस्ट समरूल जोड़ देंगे यहां पर, ना ना ऐसा गलती नहीं। तो क्या आ जाएगा, 3,4-dimethyl, बेंजीनॉल पर हो, फिनॉल पर हो, बेंजीनॉल को और क्या लिख सकते हैं, फिनॉल, डाउट। पर NO2 वाला केस आएगा और वहां पर आयोडीन वाला केस होगा, तब तो लोएस्ट सम रूल, अगर हम यहां से करेंगे तो 1+2+4 कितने हो जाएंगे, 7। अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि नहीं हम चलेंगे यहां से NO2 का ही रिस्पेक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1+2+5 कितना हो गया, 8, ये कितना है, 7। सही कौन होगा, 7 वाला, गलत कौन हो जाएगा, जो लोएस्ट सिंगल को नहीं मानेगा, समझ रहे हैं ना। यहां फंक्शन ग्रुप का इंपॉर्टेंस की है, पर NO2 और फ्लोरीन वाले केस में क्या दिए प्रेफरेंस में, लोएस्ट सिंगल, क्यों, एल्केन के रिस्पेक्ट में, बेंजीन के रिस्पेक्ट में, दोनों सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करता है। हालांकि अगर फ्लोरीन और NO2 को जब ऑर्डर सजाते तो NO2 को ऊपर रखा जाता है, इसलिए जब हम मेन पॉलीफंक्शन का सिनेटिक टेबल लिखे तो इसको हम साइड करके लिखे होंगे, मेन ग्रुप में नहीं लाके लिखे होंगे, समझ रहे हैं ना बात को, क्यों करते हैं ऐसा। अब समझिए, अब क्या नाम लिख दोगे, अल्फाबेट सजाओ, 4-ethyl-1-fluoro-2-nitro बेंजीन, यानी आप लोग को लग रहा है कि बहुत आ गया ना, चलो बनाओ तो जरा। OH यहां ME दे दिए, सोचो जरा, देखे क्या करते हो, इंपॉर्टेंस इसका OH का, फंक्शन ग्रुप कौन है, OH, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1, 2, 3 इधर से चलें ना, क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट 1 पर होगा और OH तो दोनों साइड से दो ही पर है, इधर से भी 2 पर OH और इधर से भी 2 पर OH, 1, 2, 3 करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक है, इधर से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो क्या नाम लिखेंगे, 1-phenyl, यहां पर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करेगा और 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 2-ol, यानी आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत काबिल हो गए है ना, जरा बनाइए तो श्रीमान लोग, बेंजाइल क्लोराइड में बताए थे हेलोजन का रिस्पेक्ट होगा, 1, 2, 3, 4 ये होगा लॉन्गेस्ट चेन, यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, 1 पर 2 पर फिर 3 पर, एम ई मतलब मिथाइल, काउंट करोगे, अब क्या करेंगे बताओ, अल्फाबेटिक सजाएंगे, 2-3-dibromo-1-phenyl-butane, क्लियर है, नोट कीजिए, कहीं दिक्कत है तो बताइए, इधर से क्यों नहीं किए, 1, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट छूटता है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कितने पर छूट रहा है, 1 पर, क्लियर है, नोट कीजिए। अगर सर ऐसा दे देता, एक बच्चे ने पूछा सर ये दे देता, यहां अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं, अब सीरियटी टेबल का ख्याल करेंगे, एल्डिहाइड सीनियर है OH से तो नंबरिंग इधर से होगा और ये किसके जैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट जैसा, बात समझ रहे हो, तो क्या नाम लिखेंगे, OH का हाइड्रोक्सी तो 2-hydroxy-3-phenyl-3 कार्बन को क्या कह देंगे, प्रोपेनल, कंफ्यूजन, डाउट है, फिर देखो
अगर मान लो यहां पर एसिड है, यहां पर कीटोन है और यहां पर NH2 है, तो रिस्पेक्ट किसका करेंगे? एसिड का, क्योंकि सबसे बावा यही है। क्या नाम हो जाएगा? NH2 का नाम हो जाता है एमिनो, 3-amino 2-keto या ऑक्सो, जो लिखना चाहते भैया, 3-phenyl और 3 कार्बन को प्रोपानोइक एसिड। क्लियर है? नोट कीजिए, थोड़ा सा एरोमेटिक भी दो चार एग्जांपल देख ले तो समापन की ओर बढ़ा जाए। लिख लिए हो? कुछ और नाम देखा जाए भैया। देखो, नाम तो कभी खत्म नहीं होगा, जितना होना चाहिए जिससे आप सीख सके उतना भी हम सिखा लिए। अब तो देखोगे आइसोमर में भी नाम का ही खेला होगा, जहां जहां आएगा और भी नाम आ जाएगा। अगर कभी ऐसा आ गया रहता, बताओ तो क्या नाम लिखते? आइसोसाइनाइड है तो इसको बड़ा फेमस करते फिनाइल, आइसोसाइनाइड। इसको लिखते हैं बेंजीन, कार्बाइलेमीन। इजो वाला रिएक्शन आ जाएगा, इन्हीं में बड़ा फेमस आएगा रिएक्शन, ऐसे लिखा रहा है NO2 प्लस Cl माइनस। ये नाम हो जाएगा बेंजीन डाई, मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अम लगा दिए, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखोगे वहां ब्रोमाइड भी होगा, सल्फेट भी होगा, सब सीखेंगे धीरे धीरे। अगर हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, इसका नाम लिखने के लिए आ जाए, तो कुछ सीख लेते हैं, जहां जहां जरूरत होगा और सीखते जाएंगे। ये बराबर आएगा, इसको पायरोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? पायरोल। ऑक्सीजन वाला आ जाए तो फ्यूरेन, प्रीडीन, बहुत सा नाम जियोसीम आ जाएगा, बहुत सा नाम आइसोमर में आ जाएगा, देखते रहिएगा। अगर केटायन एनायन इस रूप में आ गया, ये भी एरोमेटिक है, पूछा इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो प्रोपिनाइल केटायन। पूछा ये नाम कैसे लिखे सर? बड़ा सिंपल है। अच्छा ये बताओ, इसको तो साइक्लोप्रोपीन पढ़ते ही, प्रोपीन से यहां कुछ हटा होगा हाइड्रोजन, तो ई वर्ड हटा होगा, तब ना वाई कुछ हटा होगा, अगर मान लो एक्स रहता तो ये हटा होता, तब ना इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होता, तो ई वर्ड हट के क्या हो गया? वाइनल। तो क्या नाम लिख दे? साइक्लोप्रोपिनाइल। आने से क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, तो कह दिए केटाइन। क्लियर है? इन सब का भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को आगे। अगर मान लो ऐसे दे देता नेगेटिव चार्ज, इसको क्या नाम लिखते? साइक्लो पेंटा, दो बार एल्कीन है तो डाइनाइल एनायन। धीरे धीरे सबका नाम सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? और ये नोमेनक्लेचर को यहीं पर रोक देते हैं हम लोग, कभी भी नाम खत्म नहीं होगा। अब आइसोमर के साथ आइसोमर तो सीखेंगे ही, और तरह तरह का वहां भी नाम आएगा, ये नाम जितना सीखेंगे तो काफी है आपके लिए, और भी जो कुछ आएगा वहां एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग यहीं पर आज रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे हम लोग आपसे, ठीक है? नोट किया जाए।